मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए मानसरोवर सभागार में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में शामिल हुए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रबोधन का अर्थ यह है कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में एवं अपने सूक्ष्म शरीर ब्रह्म शरीर का एकाकार करने का जो भाव अगर हम धारण करते हैं तो इसका मतलब प्रबोधन का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकतंत्र के मंदिर संसद की चौखट पर अपना सिर झुकाकर जो एहसास हमें कराया है उससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.50 लाख मतदाताओं का मान सम्मान भाव एवं विश्वास लेकर विधानसभा में आते हैं। वहीं विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम सब दोहरे रूप में रहते हैं। हमारी विधानसभा का दायित्व तो हम पर है ही, साथ ही साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी हम पर होता है। जब हम विधानसभा में प्रवेश करते हैं तभी विधानसभा जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए पाठशाला की तरह काम में आती है और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए जीवन का नया पाठ बने, यही आकांक्षा है। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम यह प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते याद करते लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते हैं तो थोड़े बहुत ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ गुरुजी? बोले, बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले, क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले, तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा, बताओ मेरे को कहाँ होती क्या होती। जैसे वो हाथ में बताते ऐसे ऐसे होते। बोले, मैं अभी आया है। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं, जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाए, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर भाई शरीर दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है।